أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो जी, जैसा कि मैंने आपको लोन के कपड़े दिखाए थे पिछले अपने व्लॉग में, तो ये देखिए ये सिलकर आ चुके हैं. तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ. हर ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो है वो डिफरेंट है. तो चलिए हम स्टार्ट करते. ये है ड्रेस नंबर 1. ये देखिए, इसका गला मैंने कुछ यूं बनवाया. ऊपर ऐसे देखिए आप, इस तरह के ना कटाव बने हुए ऐसे, ठीक है. और यहाँ पे इस तरह से वो आ रहा है. वैसे इसका बैन था ना, लेकिन मैंने बैन नहीं लगवाया, मैंने ऐसे सिलवा लिया, ठीक है. और ये रेड और ब्लैक है और ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके ऊपर यहाँ तक. और ये देखिए, ये यहाँ पर चुनरी का प्रिंट आ रहा है साइड्स पे. और ये एयरलाइन शर्ट है फ्रॉक टाइप, और इसकी साइड्स जो है वो जॉन्क बंद है, ठीक है. और ये इस तरह से है. और मैं क्योंकि खुले ही कपड़े पहनती हूँ, तो मैंने ज़रा थोड़ा, क्योंकि मुझे लॉन फिटिंग में अच्छी नहीं लगती, और मैं वैसे भी फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनती इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से. और ये देखिए, ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है. ये इसका ट्राउज़र है, बहुत ही प्यारा सा और पेंट ट्राउज़र. स्लीव्स मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, इस तरह से स्लीव्स है. स्लीव्स का डिज़ाइन मतलब इन्होंने आगे पट्टी इधर लगा दी है, और ये इसके ऊपर ये चेक इस तरह से आ रहा है, सॉरी चुनरी का स्टाइल इस तरह से आ रहा है. तो ये मेरा जो है वो ड्रेस नंबर 1 है लोन का. अब मुझे बताइएगा कैसा है. और इसका दुपट्टा दिखाती हूँ. अच्छा, इसका दुपट्टा जब ये ड्रेस आया था ना, तो मुझे लगा ये दुपट्टा इसका नहीं है, लेकिन जब मैंने कैटलॉग देखी तो ये इसी का ही था. तो ये पर्पल सा दुपट्टा है इसका. ये तो ये है हमारा ड्रेस नंबर 1. तो चलिए अब चलते हैं ड्रेस नंबर 2 की तरफ. अच्छा जी, तो ये है हमारा ड्रेस नंबर 2 लॉन का, ठीक है. इसका मैं आपको दिखाती हूँ. इसका इस तरह से गला बना हुआ है, ठीक है. और ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये लेस लगी हुई है. और ये इसके साथ ही ऐसे बनी हुई थी, और ये यहाँ एम्ब्रॉयडरी हुई है एक साइड पे. और ये आप देख सकते हैं 2 कलर में है. ऊपर जो है वो फ्रोजी और नीचे ब्लू आ रहा है. और इसके जो बाजू है ना, वो मैंने शिफॉन के लगवाए हैं, ठीक है. ये शिफॉन के बाजू है. बाजुओं के आगे देखिए इस तरह से ना उन्होंने पाइपिंग लगाई है, बहुत खूबसूरत सी. तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, वरना यूजुअली बाजू ऐसे प्लेन होते हैं ना आगे से, लेकिन इन्होंने प्यारी सी ना, मैंने जो है वो टेलर से कहा था कि वो आगे पाइपिंग लगा दें, तो उसने ब्लैक जो ट्राउज़र की पाइपिंग है ना वही लगा दी है. और ये भी एयरलाइन फ्रॉक है, और इसके घेरे पर ये देखिए इस तरह की लेस लगी हुई है, जो काफ़ी प्यारी लग रही है. ये देखिए, इसकी काफ़ी अच्छा खुला घेर है. और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं लॉन के ड्रेसेस खुले ही पहनती हूँ. और ये देखिए, ये है पेंट ट्राउज़र, जो कि बहुत अच्छा सी है. ये प्लेन है, ठीक है. और ये है इसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है. और ये है लॉन का ड्रेस नंबर 2. तो इसकी सिर्फ मैंने आपको दिखाया कि बाजुओं के ऊपर कैसे आगे ट्राउज़र की पाइपिंग बनाकर लगाई हुई है, और गले का डिज़ाइन ऐसा है, घेरे पे लेस लगी हुई है, और एयरलाइन शर्ट है. तो ये ड्रेस नंबर 2 है. अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस नंबर 3. तो जी, अब हम आ जाते हैं लॉन के ड्रेस नंबर 3 की तरफ. तो ये है ड्रेस नंबर 3, और ये जो है सी ग्रीन और शॉकिंग पिंक के कंट्रास्ट में है. और इसके गले पे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की ऐसे करके एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये इस तरह से बना हुआ है. अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बटन्स भी लगा सकते हैं, तो और प्यारा डिज़ाइन लगेगा. मुझे ज़्यादा बटन्स गले पे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मेरा गला जो है वो ड्रेस के दुपट्टे या हिजाब में कवर हो जाता है, तो इतना विजिबल होता नहीं है. और ये देखिए, ये जो बाजू हैं शिफॉन के, तो ये ऐसे है, ठीक है, शिफॉन के ही बाजू हैं. और ये इसके साथ ट्राउज़र है पिंक कलर का, शॉकिंग पिंक कलर का. और ये भी प्लेन है, लेकिन बहुत अच्छे से बना हुआ है, आप देख सकते हैं. और ये देखिए, ये इसका घेरा है, और घेरे पे इन्होंने ये पाइपिंग लगाई हुई है जो अंदर की तरफ है, वो कि बहुत खूबसूरत लग रही है, नफीस लग रही है बहुत. तो ये इस तरह से है इसका घेरा. तो ये है ड्रेस नंबर 3. और ये देखिए, ये है इसका दुपट्टा, ठीक है. तो ये है ड्रेस नंबर 3. आप मुझे बताइएगा कैसा लगा है. इसके घेरे पे पाइपिंग लगी हुई है, और गला डिफरेंट स्टाइल का है, और ये भी एयरलाइन ही है. मैं ज़्यादातर एयरलाइन ही बनवाती हूँ, मुझे कंफर्टेबल होता है. तो जी, ये है ग्रे लॉन का ड्रेस नंबर 4, ठीक है. इसका डिज़ाइन देखते हैं. तो
इसके गले पे ऐसे वो लगा के ना पाइपिंग, कपड़े की ही पाइपिंग लगा कर, तो इसके ऊपर इस तरह से लेस लगा के डिज़ाइन बना दी है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। गला इसका गोल है और इसके स्लीव्स पे जो है वो यही वाली लेस लगी हुई है जो यहाँ लगाई है, जो यहाँ लगाई गई है ना गले पे, वही बाजुओं के आगे लेस है। और इस तरह से इसका डिज़ाइन है और घेरे पे ये वाला प्रिंट आ रहा है, ये देखिए ये वाला प्रिंट घेरे पे आ रहा है। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र इसका प्लेन नहीं है, ट्राउज़र इसका ये वाला है और ये बहुत ही प्यारा सा है। तो इसके साथ जो दुपट्टा है ना वो शिफोन का है, उस पर मैंने इस तरह की थोड़ा सा सिल्वर टोन वाला हुआ है, ये इसके साथ दुपट्टा है। और मैंने इसके ऊपर ये ना इस तरह की जो है वो ये करवाई है डिज़ाइनिंग, तो टसल्स वाली, आपको जैसी पसंद हो वैसी कर सकते हैं। ये इसका दुपट्टा है और देखिएगा आपको ये कैसा लग रहा है ड्रेस। तो एक ड्रेस ये है, आप चाहें तो स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट्स भी रख सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो, मैंने वैसे बनवाया है जैसे मैं कंफर्टेबल होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये है हमारा लॉन का ड्रेस नंबर 5, ठीक है। अब हम इसकी डिटेलिंग देखते हैं, डिज़ाइनिंग देखते हैं कि ये कैसा है। ये मैंने एज इट इज़ सिलाया जैसा ये था। इसके गले पे इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी बेज कलर का इसका बेस है और ये ऑरेंज और शॉकिंग और ग्रीन कलर की इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है यहाँ तक है, ठीक है, बहुत प्यारी है। और यहाँ पर ये बॉर्डर दिया हुआ है ये, और ये जो बॉर्डर दिया हुआ है ना इसी तरह का इसका येलो दुपट्टा है, ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। और इसकी जो स्लीव्स है ना वो शॉकिंग पिंक है, ठीक है, इस तरह की स्लीव है। और इसकी जो बैक है ना ये देखिए ड्रेस की, वो भी वही है जो स्लीव्स वाला है, तो माशाल्लाह मुझे काफ़ी प्यारा लगा था। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र मैंने सारे ऐसे ही रखे हैं, मुझे लॉन के इसी तरह के पसंद है। और ये देखिए ये येलो जो है ना ये इसका दुपट्टा है, तो ये इस तरह से है ये ड्रेस। मुझे बताइएगा आपको कैसा लगे, आपको कौन सा ड्रेस ज़्यादा प्यारा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके मैसेज का वेट करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो जी ये है हमारा ड्रेस नंबर 9 का 6, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ये रस्ट कलर का है, रस्ट कलर के ऊपर बेज कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस तरह से। और गला मैंने इसका भी गोल ही बनवाया, मैं बहुत बड़े गले नहीं पहनती, नॉर्मल सा गला पहनती हूँ, तो ये उसी तरह से है। और ये इसका शिफोन के बाजू है। अच्छा पर्सनली मुझे शिफोन के बाजू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने मोस्टली ड्रेसेस के ऐसे ही रखवाए हैं यूँ। ये इसके बाजू का आगे से इस तरह का बॉर्डर है, इसके साथ रस्ट कलर का जो है ना ट्राउज़र है, ये ब्लैक लग रहा है वीडियो में लेकिन ये ब्लैक नहीं है, ये रस्ट कलर है। और ये इसका जो है वो घेरा है, ठीक है, ये तो इस तरह का ये ड्रेस है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मैंने ये कलर बहुत कम पहना है तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने इस वजह से ये जो ड्रेस है वो ले लिया। तो इंशाल्लाह जब मैं पहनूंगी इन ड्रेसेस को कैसे कैरी करती हूँ वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो लॉन का जो ड्रेस नंबर 7 है वो ये है, लेकिन अनलकीली ये जो है ना बिल्कुल भी प्रेस नहीं हुआ हुआ, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, माइंड ना कीजिएगा। देखिए हम बनावटी नहीं हैं, हम जो हैं वो हैं, और मैं कोई ड्रेस डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आई होप आप अंडरस्टैंड करते होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ना गले पे, गोल गले पे ये है लेस, ठीक है, ये मैंने बाज़ार से ली थी इस कलर की जो एम्ब्रॉयड्री है ना इससे मैच करके, तो ये लेस है और मैंने गोल गले पे लगवाई है इस तरह से, ठीक है। ये चिकन का सूट है पिंक कलर का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वाइट और रस्ट कलर की इस पे जो है वो सारी एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है। ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है, ये इसकी सिगरेट प्रिंट ट्राउज़र है, तो अभी आपको सिलवटों की वजह से नज़र नहीं आ रहा, इस तरह से ये है। और ये इसकी शर्ट है, ठीक है, यूँ, ठीक है। और इसकी स्लीव मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए
यहाँ पे मैंने किनारी वाली लेस लगवा के आगे उसकी पट्टी लगवा के, क्योंकि मुझे लंबे बाजू करने थे तो मैंने इस तरह की डिजाइनिंग भी कुछ बन गई और इस तरह से करवा लिया। गले पे रस्ट कलर की लेस लग गई और यहाँ व्हाइट कलर की लग गई, तो अच्छी सी डिजाइनिंग हमारी सिंपल सी हो गई लोन के सूट के लिए। और हाँ, ये प्लेट्स डली हुई है, और ये देखिएगा, ये है इसका खूबसूरत सा शिफोन का दुपट्टा, जिसके किनारे पे मैंने जो है वो गोटा लगवाया हुआ है सिल्वर कलर का, जो बारीक होता है ना समोसे वाला गोटा, वो चारों तरफ लगवाया है। तो ये है ड्रेस नंबर 7। मुझे बताइएगा वो कैसा लग रहा है। आई होप आपको डिज़ाइनिंग इसकी समझ में आ गई है, मैंने कोशिश तो की है। तो जी ये है हमारा ड्रेस नंबर 8, और ये फाइनल ड्रेस है। मैंने सोचा आप लोग एयरलाइन शर्ट्स देख देख के थक गए होंगे, तो चलो फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है खुले चोकों वाली जो है ना शर्ट है, ठीक है। तो ये देखिए, ये साड़ी इस तरह की मोटिव्स का ड्रेस है, तो ये देखिए साड़ी इसके ऊपर ऐसे ना एम्ब्रॉयडरी हुई है और इस तरह की लाइनिंग में वो बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है, ये देखिए ये इसका घेर है और ये कैरेट कलर है, बिल्कुल कैरेट कलर है ये। और ये इसका प्रिंटेड जो है ना वो ट्राउज़र है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है ये, तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। ये है इसका दुपट्टा, और दुपट्टे पे मैंने ये वाली पाइपिंग करवाई है, ठीक है। और पूरे दुपट्टे के ऊपर ना ये वाली एम्ब्रॉयडरी की जो है ना छटा डला हुआ है, ठीक है, अभी ये प्रेस नहीं हुआ हुआ। तो और जो गला है ना इसका आगे पीछे से मैंने जो है वो चौरस रखवाया है, ठीक है, चकोर रखवाया हुआ है। तो ये है, इनशाला प्रेस करके जब मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। मुझे तो ड्रेस काफ़ी प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लगेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यही थी मेरी समर की 2023 की जो है ड्रेस डिज़ाइनिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।